नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये डिलीशियस सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक। बहुत ही इजीली बन जाता है, घर पे इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से आप इसे बना सकते हैं। तो अगर आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट मेरी रेसिपी में आपके पास नहीं होंगे तो उनका ऑप्शन भी मैं आपको बताऊँगी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है आधा कप दूध। तो आप कोई भी अपने कटोरी या फिर कप मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं, आप पूरा मेजरमेंट उसी से कीजिए। और एक चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया विनेगर, और इसको मैं साइड में रख दूंगी लगभग 5 मिनट के लिए ताकि ये दूध थोड़ा कर्डल हो जाए। तो आप विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है 1/4 कप राइस ब्रैन ऑयल। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल का यूज़ मत कीजिए। आप बटर भी ले सकते हैं, मेल्टेड बटर यूज़ कीजिए। और उसमें ऐड कर दिया है मैंने 1/2 कप चीनी, यानी कि मैंने शुगर को पीस लिया था तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ वहाँ पे। और उसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। तो बहुत अच्छे से इसको फ्लफ़ी हमें बनाना है, ताकि जब तक मतलब इसमें थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से मतलब फ्लफ़ी बैटर बनना चाहिए, तभी हमारा केक जो होगा ना वो स्पॉन्जी बनेगा, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी, उसमें जालियाँ दिखेंगी एकदम। तो इस तरह का बनाइए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस बैटर को यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको हमें विस्क करना है इस तरह से। तो जितना आप यहाँ पे विस्क करेंगे वो उतना ही स्पॉन्जी आपका केक बनेगा। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको विस्क कर लिया। अब मैं इसके ऊपर एक इस तरह का स्ट्रेनर छन्नी रख लूँगी और उसमें डालूंगी मैं 1 कप मैदा। ठीक है, आप आटे से भी इसको बना सकते हैं, गेहूं का आटा बहुत हेल्दी बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, 1 कप मैदा, और उसमें मैं ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है कोको पाउडर। ठीक है, और उसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक। तो इसको अच्छे से छान लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना कि ये एकदम लम्प फ्री बैटर बनता है हमारा। तो बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, अदरवाइज क्या होगा ना, अगर हम बहुत तेज़ी से इसको मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा बीच में से बैठा हुआ सा केक बनता है। तो हमें सॉफ्ट स्पॉन्जी केक चाहिए बिल्कुल, तो उसके लिए इस तरह से मिक्स करना है, उस तरह का फ्लोई बैटर हमें बनाना है। तो उसके लिए अगर आपका बैटर थिक है तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें दूध ऐड कर लीजिए, इस तरह का फ्लोई बैटर बनाना है। फिर मैंने एक सिलिकॉन मोल्ड यहाँ पे लिया है, तो उसमें मैंने ये बैटर पोर कर दिया है। अब ये देखिए इस तरह से इसको टैप करते हुए फिर मैं रखूंगी इसको माइक्रोवेव मोड पे लगभग 5 मिनट के लिए। और इसे आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तो प्री हीटेड कढ़ाई में आप इसे 35 से 40 मिनट के लिए इसको कुक कर लीजिए। क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप, या मैंने यहाँ पे ले लिया है कटोरी, तो उसमें मैंने 1 कप के अराउंड मैंने लिया है यहाँ पे क्रीम। ठीक है, नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम है ये। और उसके लिए मैंने थोड़ी सी एक बर्तन में आइस क्यूब्स रख दिए और उसके ऊपर इस तरह से दूसरा बर्तन रख लिया है। तो उसमें अब मैं क्या करूँगी, ये व्हिपिंग क्रीम ऐड करके इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। तो इसको आप विस्कर की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो हैंड विस्कर होता है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर ले रही हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी 5 मिनट में ही ये अच्छे से इस तरह की क्रीम बनके तैयार हो जाती है। देखिए, और अब 5 मिनट हो चुके हैं तो केक भी बनके रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा सा फूला फूला सा केक बना है। तो मैंने इसको एक वायर रैक पे निकाल दिया ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इस तरह से मैंने चाकू इस पे डाला, तो देखिए बिल्कुल क्लीन चाकू निकला है। ये देखिए मैं दबा रही हूँ, आपको पता चल रहा होगा एकदम फिर से वापस उसी पोजिशन पर आ रहा है। तो कितना सॉफ्ट ये बना है। तो इसको किसी फिर आप साफ कपड़े से ढक लीजिए। देखिए कितने अच्छे जालीदार केक बना है, एकदम बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट केक बनके तैयार होता है। ज़रूर आप इसे बनाइएगा, इजीली बन जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने साइड्स में चाकू लगा लिया था और फिर मैंने इसको एक धागे की हेल्प से इस तरह से कट कर लिया बीच से। बहुत
मतलब इजीली कट हो जाता है और एकदम बराबर कट होता है। तो ये देखिए कितनी जालीदार स्पॉन्जी केक बना है। अब मैं क्या करूँगी, केक बोर्ड पे इसे मैंने रख लिया है, थोड़ा सा क्रीम लगाया और मैंने बनाया है सुगर सिरप। इसमें क्या कीजिए आप, 2 चम्मच चीनी और 4 चम्मच पानी ऐड करके इस तरह का सुगर सिरप बना लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए अब मैं इसको केक पे इस तरह से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि केक जो रहता है आपका, इससे बहुत मॉइस्ट बना रहता है। तो मैंने केक को इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ मैं ज़रा सा। तो ये थोड़ा मैंने क्रीम ले ली है, क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में फिल करके इस तरह से मैं केक पे लगा लूँगी। तो मैं ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने थोड़ी सी एक पतली सी लेयर लगाई है। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी, यहाँ पे मैंने जो जेली टॉफीज आती है ना, वो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था केक का इसकी वजह से। तो इसको मैंने जेलीज को क्या किया, थोड़ा सा इसको थोड़ा गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो इसको मैंने फिर थोड़ा स्पून की हेल्प से ही उसको मैश कर लिया, उस तरह से इसमें लगा लिया। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। और इस तरह से अब मैंने टॉप की लेयर लगाई और उसमें मैंने ऐड कर दिया सुगर सिरप। और अब ये देखिए ऊपर से भी मैंने क्रीम की लेयर लगानी स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इसको जो लेवल है इसका बराबर करना पड़ता है। फिर साइड से भी मैंने क्रीम लगा ली है। वैसे मैं नॉर्मली जब केक बनाती हूँ तो मैं इतनी क्रीम वगैरह की आइसिंग नहीं करती हूँ। ये थोड़ा मुझे बर्थडे स्पेशल बनाना था तो मैंने थोड़ा सा इसमें मेहनत करी है। तो आप ज़रूर इसे बताइएगा कि ये कैसी कैसा बना है केक, मतलब कैसा लग रहा है दिखने में। तो ये देखिए इस तरह से साइड्स को मैंने थोड़ा बराबर, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का करने की कोशिश करी है मैंने। तो आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये दिखने में केक। तो अब मैं थोड़ा बहुत मैंने इसको सेट कर दिया था, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया क्योंकि इसके ऊपर फाइनल थोड़ा सा और मैंने क्रीम का गार्निशिंग करनी थी। तो मैंने तब तक उसको फ्रिज में सेट कर लिया। अब मैं बना रही हूँ थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ही चॉकलेट का कुछ डेकोरेशन आइटम। तो उसके लिए मैंने क्या किया, चॉकलेट को मेल्ट कर लिया और इस तरह से डबल बॉयलर पे लगा के, और फिर मैंने थोड़ा बहुत इसमें कोशिश करी थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। तो उतना परफेक्ट तो नहीं बन पाया बट थोड़ा बहुत बन गया था। तो खुशी हुई दिल से, थोड़ा सा अच्छा तो लग रहा था केक। और बट ये खाने में बहुत ही यम्मी बना था। तो ये देखिए जो मेरी चॉकलेट डेकोरेशन, मैंने थोड़ा सा चॉकलेट को मेल्ट करके इस तरह से बनाया था तो थोड़ा बहुत बन गया था। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बीच में थोड़ा सा डार्क चॉकलेट जो है उसको मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है। ये इस तरह से मैंने ये क्रीम की थोड़ा बहुत टॉपिंग करी और उसके ऊपर मैंने जेली टॉफीज ऐड कर दी है। बहुत यम्मी केक बना था। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।